हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्सि मैथ्स हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में ही थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम टाइप टू सीखते हैं क्या है ये टाइप टू कि अगर आपको एक फंक्शन y इक्वल टू एफेक्ट्स गिवन है तो आप कैसे चेक करोगे कि जो वो फंक्शन जो है वो एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं स्टेप्स बहुत बहुत सिंपल है आपको क्या गिवन होगा आपको y इज इक्वल टू एफ एक फंक्शन गिवन होगा और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी किसी भी फॉर्म में लाइक वाई डबल डैश माइनस वाईल टू जीरो ना आपको प्रूव करना होगा कि वो इसका ये जो वाईल टू एफ एक्स है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं तो आप क्या करोगे आप वाई डैश फाइंड करोगे जो कि एफ डैश एक्स आएगा सपोज करिए मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ ई टू द पावर एक्स तो ये ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा y डबल डैश फाइंड करोगे जो कि y डबल डैश एक्स यानी कि वो अगेन ई टू द पावर एक्स आएगा हम एल एच एस में पुट कर देंगे सो so वाई डबल डैश माइनस वाई यानी कि ई टू द पार एक्स माइनस ई टू द पार एक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया तो इक्वल टू आर आ गया सो देर जो वाई गिवन है वाई इज इक्वल टू एफ है इज द सल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव ओके चिल्ड्रन ये थे स्टेप बेसिक स्टेप जो फॉलो करने हैं फंक्शन को देखिए फंक्शन जो इक्वेशन में चाहिए वो फाइंड करिए उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए अगर एल एच एस एच एस इक्वल आ जाते हैं तो सोल्यूशन है अदरवाइज नहीं है या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो वट यू मीन बाय डायरेक्टली रादर देन पुटिंग आप क्या करिए जैसे ही आपने एफ डबल डैश फाइंड किया आपको पता है मैं इसे वापस से एफ एफ डैश लिख सकती हूँ तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी की पूरी आ गई तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं अब इसे करना कैसे है मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सॉल्व करने के लिए आप चेक कर लीजिए शो दैट दिस इज अल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ये मुझे प्रूव करना है लेट्स डू इट फंक्शन का डेरेवेटिव करते हैं तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दर माइनस एक्स इज द्स का डेरेवेटिव वन और ए का डेरेवेटिव जीरो प्लस एक्स प्लस ए एज इट इज ई टू द माइनस एक्स का डेरेवेटिव माइनस एक्स इन टू चेन रूल नहीं भूलना माइनस यानी कि मेरा आंसर क्या आया ई टू द माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस ए ई टू द पार माइनस एक्स ये मेरा डेरेवेटिव आ गया अब दो तरीके से करने का मैं आपको स्टेप बताती हूं पहली चीज मैं अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें डिफिकल्ट लेवल पे नहीं समझ आती तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है आप एल एच एस लिखिए एल एच एस क्या है dy बाई डी एक्स प्लस वाई आप वैल्यू पुट कर दीजिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी ई टू दाव माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स प्लस ए चेक करिए दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई आंसर क्या आ गया माइनस एक्स विच इज इक्वल टू योर आर एच एस ये तो था पहला मेथड ठीक है वो सोल्यूशन है कि नहीं अगर आपको थोड़ा शॉर्टकट मारना है थोड़ा क्वेश्चन जल्दी फिनिश करना है तो आप टाइम सेव कर सकते हो एंड हम जाएंगे मेथड नंबर टू पे सो so, क्या था क्या है ये मेथड टू चेक करें मेथड टू राधर देन पुटिंग हम इसी को uh, कोशिश करते हैं इवेल्यूएट करने की मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन लाने की डीवाई बाई डी एक्स ई टू द दावर माइनस एक्स चेक करिए ये पूरी जो है ये मेरी वाई की वैल्यू है माइनस वाई अब वाई को उधर ले आइए सो डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स चेक करिए अब ये ऑटोमेटिकली इक्वेशन आ गई और थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट हो गया और आपका टाइम सेव हो गया लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप मेथड वन करिए यानी कि एल एच एस आर एच एस को इक्वल प्रूव कर दीजिए अगर डिफिकल्ट नहीं लगता है आप क्वेश्चन जल्दी से खत्म करना चाहते हैं तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो अगेन ये फुल एक्सरसाइज सोल्व है मेरे सरल मैथ्स चैनल पे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर छोड़ूंगी आप वो पूरी वीडियोस देख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखेगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड आई एम वेरी वेरी क्विक टू रिप्लाई ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन आई रेली होप की आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आए एंड मेरा भी उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सो लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड और भी डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोज देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ लेट्स लर्न लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ही मैथ्स